जी नमस्कार, आज आप लोगों ने पानी शरबत का वितरण कर रहे हो, किस कौन सी संस्था से हो आप लोग? जैसे कि हम लोग जीविका संस्था से हैं और मैं सचिव हूँ राखी बजाज जीविका संस्था की। और आज का हमारा जो मोटिव है प्रोग्राम का कि आज पुरुषोत्तम महीने का एंडिंग डे है और बहुत ही अच्छा दिन माना जाता है इस दिन, और वैसे भी गर्मी बहुत भीषण पड़ रही है, तो एक जीविका संस्था की छोटी सी कोशिश है कि आज हम राहगीरों को शरबत और भंडारे का आयोजन किया गया है कि उनको हम थोड़ी राहत दे सके, और अच्छा दिन है कि थोड़ा पुण्य भी कमा दिया जाए इसके साथ ही। मैं आपसे चाह रहा हूँ, क्या उद्देश्य है आपका पानी शरबत आज पिलाया है? आज उद्देश्य ये है कि पुरुषोत्तम का महीने का अंतिम दिवस है आज, और बहुत ही अच्छा दिन माना जाता है, साथ ही गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो राहगीरों को थोड़ी गर्मी से राहत देने के लिए हमने शरबत का और भंडारे का आयोजन किया हलवे का, कि शरबत के साथ मीठे का वो आनंद लें, और यही हमारा उद्देश्य है आज का। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। आप इस कार्यक्रम में आज अतिथि को मैं जानना चाहता हूँ आपसे, अनेक कार्यक्रम में आप जाते हो, मेन मकसद पानी पिलाना बहुत अच्छा है ऐसी गर्मी के मौसम में। मैं जानना चाहता हूँ कि अनेक झांसी की समस्या बुंदेलखंड के अंदर पानी की समस्या है, किस प्रकार होगी दूर भाई साहब? देखिए, हम सबको मिलकर ही झांसी की समस्याएं दूर होगी, जितने समाजसेवी संगठन हैं, जितनी NGOs हैं, हम सबको कदम से कदम मिलाकर झांसी की समस्या को दूर करना पड़ेगा। आज हम लोग आरती बेरी के नेतृत्व में जनसेवा का एक और कदम हम लोगों ने आगे बढ़ाया है, और हम लोगों का मानना है कि मानव सेवा ही भगवान की सेवा है, और जैसा कि हमारे और बहनों ने बताया है कि पुरुषोत्तम मास का आज अंतिम दिन है, ये भगवान का महीना माना गया है, तो भगवान की सेवा के साथ साथ अगर हम मानवता की सेवा करते हैं तो इससे कोई बड़ी बात नहीं होगी, तो जल पिलाकर भंडारा कर हम लोगों की सेवा भावना से कार्य कर रहे हैं, ये हमारा उद्देश्य है। पानी पिला रहे हो आप लोग, इस प्रकार अनेक काम करते हो, आपका क्या प्लान है आगे का? आगे यही प्लान है कि हम लोग यहाँ झांसी की काफी लोगों को काफी ऊंचाई तक ले जाएं, और हमारी संस्था काफी ऊंचाई तक पहुंचे, यही हम लोग की सोच है।